देखिए, दिल्ली के जो गांव हैं उनके हालात बद से बदतर हो गए और दिल्ली के गांवों को स्लम बना के छोड़ दिया गया। हमने ये तय किया है कि अब की बार आर पार की लड़ाई होगी हमारी। अगर हमारी मांगे नहीं मानी गई तो हम चुनाव का बहिष्कार करेंगे। हम नहीं चाहते अब हम अपने ऊपर किसी को राज करने देंगे। नमस्कार, न्यूज़ क्लिक आपका स्वागत है। मैं हूँ मुकुंद और अभी मौजूद हैं दिल्ली के हौज खास में। हौज खास विलेज है और इसी तरह के दिल्ली के अंदर 360 गांव हैं अलग अलग जगहों पर, जिनका शहरीकरण के नाम पे आज उनकी ज़मीनों की वैल्यू करोड़ों में हो चुकी है। कई गांव तो आज पौश इलाके बन गए हैं, लेकिन जो उस गाँव में रहने वाले मूल निवासी या ग्रामीण थे आज वो किस हाल में है, वो बद से बदतर ज़िंदगी जीने को मजबूर हो रहे हैं। उनकी ज़मीनें जिस कौड़ी के भाव में कई साल पहले ले ली गई, जिन सपनों के साथ उनको दिखाया गया था, वो आज टूटते हुए दिख रहे हैं, जिसके कारण लगातार पिछले कई सालों से जो गाँव के लोग हैं लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और इनकी 360 गाँव की एक ज्वाइंट पालम खाप है, उसके प्रधान सुरेंद्र सोलंकी हैं, वो अपनी टीम के साथ पिछले कई दिनों से दिल्ली के अलग अलग गाँवों का यात्रा कर रहे हैं। इस बार उन्होंने नारा दिया है इस बार दिल्ली विधानसभा का चुनाव बहिष्कार करेंगे, क्योंकि कोई भी सरकार उनकी मांगे नहीं मान रही है, उनकी जो समस्याएं उनका समाधान नहीं हुआ है। तो अब इनको चुनाव बहिष्कार क्यों करना पड़ा है, क्या मांगे हैं, क्या स्थिति में गांव की और गांव के क्या मूल सवाल हैं जिनको लेकर ये लोग ये यात्रा पर निकले हैं, आइए इनसे बातचीत करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। और ये पंचायत जो पीछे देख रहे हैं, ये हौज खास गाँव है, यहीं पर एक पंचायत हुई है, इस पंचायत में हम शामिल हुए हैं या शामिल ग्रामीणों से भी बातचीत करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। वर्षों से हमारी कुछ मांगे लंबित हैं जिनका हम समय समय पर सरकार से अपनी बात रखते भी रहे, लेकिन उनका आज तक संज्ञान नहीं लिया गया। और आज जरूरत पड़ी है कि दिल्ली के 360 गांव मिलकर इस आगामी चुनाव का बहिष्कार करेंगे, क्योंकि दिल्ली के, मैंने कहा ना कि कोड़ियों के भाव हमारी ज़मीन ले ली, शहरीकरण के नाम पे सारी ग्राम सभा की ज़मीन ने कब्जा ली और उसके बदले में एक पानी की और सीवर की लाइन दी। अब हमारे इश्यूज़ हैं कि जब हमारे से 1908 के बाद आज तक हमारा लाल डोरा नहीं बढ़ाया गया, जब हमारी ग्राम सभा की ज़मीनें ले ली, कोड़ियों के भाव जमीन ले ली और गांव में किसी तरह की कोई सुविधा नहीं दी, तो हाउस टैक्स किस बात का दे। हाउस टैक्स माफ़ी की घोषणा पिछले साल दिल्ली नगर निगम के मेयर और डिप्टी मेयर ने की, लेकिन आज तक उसका नोटिफिकेशन नहीं आया। तीसरा सवाल है 2000 मास्टर प्लान 2041 की बात, 2007 में मास्टर प्लान की बात की गई, आज 2024 आ गया, अब कह रहे 2041 का, वो भी वर्षों से लंबित है। अगला मुद्दा है सर्कल रेट का, पड़ोसी राज्यों के मुकाबले हमारा सर्कल रेट काफ़ी कम है। अगर भूमि अधिग्रहण में ज़मीन जाती है तो पड़ोसी राज्य में 18 करोड़ रुपए तक एकड़ पर एकड़ का मुआवजा मिलता है, जो कि गुड़गांव जिले में, और उससे सटा हुआ दिल्ली है, वहाँ पर 53 लाख रुपए। तो कहीं ना कहीं हमारे जो भूमिहीन किसान भाई हैं उनके 74/4 सूत्री के मालिकाना का आज तक नहीं दिए, हमारी जो पुश्तैनी संपत्ति है उसका हमें मालिकाना हक नहीं है, उस पर कहीं ना कहीं हमें रजिस्ट्री करानी पड़ती है, टैक्स देना पड़ता है सरकार को। और जो होमगार्ड के हमारे 8,500 कर्मचारी जो दिल्ली देहात के बच्चे हैं, उनको कहीं ना कहीं सरकार ने बाहर निकालने का एक आदेश पारित किया, 31 जनवरी तक की उनकी लास्ट डेट है, वो सब दिल्ली देहात के। सरकार रोजगार तो दे नहीं सकती, उल्टा सरकार रोजगार खोजने की कोशिश कर रही है। तो कहीं ना कहीं हर गांव की सैकड़ों समस्याएं हैं कि जो दिल्ली देहात के गांवों को बर्बाद कर दिया गया सरकारों की तरफ से। अब कहीं ना कहीं सरकार, हम दिल्ली देहात के 360 गांव के लोग, 36 बिरादरी के लोग मजबूर हैं कि जिन दिल्ली के 360 गांव की ज़मीन पर संसद भवन बना, जिन दिल्ली के 360 गांव की ज़मीन पर राष्ट्रपति भवन बना, सारे जो है विधानसभाएं बनी, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री का घर है, आज वो मजबूर हैं, लाचार हैं कि उनकी समस्याएं उनकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। तो इसलिए हमने फैसला लिया कि आगामी चुनाव का बहिष्कार दिल्ली के 360 गांव और 36 बिरादरी के लोग मिलकर करेंगे। 87 में हमारी पंचायती खत्म कर दी गई थी और जब पंचायतें खत्म हो गई तो कॉरपोरेशन हर एक गांव में लागू कर दी गई हैं और कॉरपोरेशन में अब हमारे गांव का कोई चुनिंदा जो हमारा नुमाइंदा है वो कोई होता नहीं है। जो बाहर के हैं तो बाहर वालों को उनको इतने गांव की समस्याओं के बारे में पता नहीं होता। गांव में सफाई व्यवस्था जो है हर कॉरपोरेशन के जो मुलाजिम है, जो साफ सफाई करने वाले हैं, वो दो दो तीन तीन हैं गाँव में, या तो कोई साफ सफाइयाँ नहीं होती, नालियाँ नहीं है प्रॉपर, जो सीवरेज है वो सारी ओवरफ्लो चलती है। और जो हमारी मोटेशन का था उसमें भी एक समस्या, जो हमारा जो सर LG ने जो अभी पास की थी
उसमें भी कुछ ना कुछ छोटी मोटी त्रुटियां हैं। हमारे गांव असालतपुर में भी बहुत बहुत बड़ी समस्याएं हैं। कोई भी नेता, कोई भी पार्टी या किसी से जुड़ी हुई समस्याएं नहीं है, बाकी कोई भी हमारा साथ नहीं देता है। हमारे गांव असालतपुर का लाल डोरा बहुत छोटा सा है और उससे रोड पार करते ही हमारे पार्क हैं, जो कि 1962 में हमारे गाँव वालों के लिए शादी पार्टी के लिए दिए गए थे। आज उनसे हमें बाहर निकाल दिया जाता है, फोर्स आके हमारे पे डंडे बरसाती है और MCD वाले आके उनमें पौधे लगवा देते हैं। और अगर हम कोई एक्शन करते हैं तो हमें बड़े बूढ़े 85 साल की लेडीज को भी उन्होंने कल डंडे बरसाए हैं और हमारा कोई साथ ही नहीं देता है। हमारे गांव वालों को सब ऐसे सोचते हैं कि ये गांव वाले हैं, इनकी कोई वैल्यू ही नहीं है। और हम सब महिलाएं वहाँ पे आराम से जाते हैं, बैठते हैं और कोई भी वहाँ पे तो कोई सरकार नहीं सुनती है, कोई पुलिस नहीं सुनती है। दिल्ली में सब ने हमें ऐसे सोच रखा है कि ये तो गांव वाले हैं, इनका कोई महत्व ही नहीं है, ये तो ऐसे घूमते रहते हैं, इनको तो हमें इग्नोर कर देते हैं। हमें हमारे गांव के बच्चों के लिए रोजगार का तो कोई चारा ही नहीं छोड़ा, कोई रोजगार तो है ही नहीं। सब बच्चे बैठे हैं, ना जमीन है ना रोजगार है, बच्चे ना कोई है। आप पहले तो किसानी करके घर पाल लेते थे, आज बच्चों के लिए टेंशन है, इतना कॉम्पिटिशन है पढ़ाई में, इतना एजुकेशन में। हमें कहीं भी किसी OBC में हम कहीं आ ही नहीं रहे। पूरी दिल्ली में आजकल दिल्ली यूनिवर्सिटी में हमारा पहला हक है, हमारी ज़मीनों पे कॉलेज बने हैं, हमारी ज़मीनों पे स्कूल बने, हमारे बच्चों के एडमिशन नहीं होते। कॉलेज में एडमिशन करने के लिए बच्चों को OBC, हमारे एक छोटा सा OBC सर्टिफिकेट नहीं हमारा मान्य किया जा रहा। और कोई भी सरकार दिल्ली की आज दिल्ली की हालत है वो कोई भी सरकार काम नहीं करी। मैं एक बात और कहना चाहूँगी कि ये कोई राजनीतिक या किसी पार्टी का मुद्दा नहीं है, ये सिर्फ हमारे गाँव वालों की लड़ाई है और ये गांव का मुद्दा है। सभी गांव वाले सब पार्टियों को छोड़ के इग्नोर करो, कोई किस पार्टी का, कोई हमें खाने के लिए नहीं देता है, कोई हमारा साथ नहीं देता है। सब गांव वाले एक हो जाओ और चुनाव का बहिष्कार करो। हमने चुनाव का बहिष्कार कर दिया और हम हर जगह घूम के सब लोगों को कहेंगे कि कोई भी वोट डालने जाए, अगर जरूरत पड़ी तो हम वोटिंग पे जाके भी खड़े होंगे, वहाँ किसी को अंदर घुसने भी नहीं देंगे। सवाल ये है कि समाधान की बात अभी तक नहीं हुई, आश्वासन खूब दिए। हम चाहते हैं कि समाधान हो और आगामी चुनाव से पहले ही हो, वरना हम आगामी चुनाव का बहिष्कार करेंगे। जैसा कि आपने वीडियो की बातचीत में सुना, ग्रामीण और गांव के प्रधान सब एक स्वर में कह रहे हैं गांव की जमीन सरकारों ने ले ली, लेकिन आज भी मूलभूत सुविधाएं नहीं है और रोजगार जैसा सवाल एक गंभीर संकट बन रहा है गांव के अंदर, क्योंकि इनकी ज़मीनें जो थी खेती की योग्य ज़मीनें वो भी सरकारों ने ले ली, अब इनके पास कोई साधन नहीं बचा और दिल्ली में उद्योग भी उस तरीके से नहीं है। आजकल अब पार्क जैसी ज़मीनें भी इनसे छीनी जा रही हैं, इसके खिलाफ ये पंचायत कर रहे हैं और इनका साफ कहना अगर इनकी मांगें नहीं मानी गई तो चुनाव बहिष्कार होगा। और महिलाएँ भी काफ़ी गुस्सा में, वो कह रही हैं ये ग्रामीण जमीन पर जो बाकी लोग भी बसे हैं आके उनसे भी संवाद करेंगे और उनसे भी जाके कहेंगे वो भी मतदान ना दें। ये आगे आंदोलन कैसे चलेगा, इनकी आजादी कैसे होगी, ये सारे सवाल इन्होंने अपनी बातचीत में आज कहा है। ये कह रहे हैं अब थक गए नेताओं से बातचीत कर करके, अब सिर्फ एक ही है, हमारे ऊपर कोई राज नहीं करेगा, गाँव अपनी एकता दिखाएगा, गाँव अपने समस्याओं का समाधान करा कर रहेगा। अभी के लिए बस इतना ही, देखते रहे न्यूज़ क्लिक, धन्यवाद।